हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनिश्रा, 3rd MBBS स्टूडेंट एम्स कल्याणी। तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, आज मेरा फास्ट है, तो आज का पूरा व्लॉग अपन बनाएंगे, ठीक है। और शाम को नवरात्रि सेलिब्रेशन भी है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। अभी तो आज संडे है, तो मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ, ठीक है। 11 बज गए हैं और नाश्ता तो वैसे भी नहीं करना था क्योंकि फास्ट है, बट हाँ, बिना चाय के मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती, तो मैं चाय बना रही हूँ। चाय पीते पीते सोचते हैं कि क्या क्या करना है आज। और 12 बजे पूजा भी करनी है, क्योंकि 12 से 1 मम्मी ने कहा था कि मुहूर्त है, तो उसकी पूजा भी करेंगे। पहले सामान भी लेके आना है पूजा का कुछ, तो चलो देखते हैं। सो आई एम प्रिपेयरिंग माई मॉर्निंग टी, और ये थोड़ी ज़्यादा बन गई थी, बट कोई नहीं यार, चाय तो है, थोड़ी ज़्यादा पी लेंगे। अपन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है, तो जल्दी से बेड बनाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, फिर नहाते हैं क्योंकि लेट हो चुके हैं। झाड़ू टाइम हाँ साफ हो चुका है ये। सो 12:15 हो चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। स्किन केयर के नाम पे मैंने बस सनस्क्रीन लगा लिए और फटाफट से पूजा करते हैं क्योंकि पूजा का टाइम निकले जा रहा है। तो यार अब बात करते हैं हमारे अनअकैडमी पे नेक्स्ट लाइव सेशन की, जो कि मैं लूँगा 17 अक्टूबर को अनअकैडमी पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यार हमने बहुत बात कर ली स्ट्रेटजीज़ के बारे में कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब बात करेंगे स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के बारे में। मतलब कि इस लाइव सेशन में मैं डिस्कस करूँगा आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन डिटेल में। जो भी आपके डाउट होंगे वो साथ के साथ मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा लाइव सेशन में, तो जरूर ज्वाइन करना यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी इन माई लाइव सेशन ऑन अनअकैडमी। तो दिस इज माई टूडेज आउटफिट। सो अभी चलते हैं बाहर, फ्रूट्स वगैरह कुछ लेके आएंगे क्योंकि अब तो भूख लगी है यार, 1 बज गया है। चलो तो हम आ गए हैं वापस, चलो। और ये इतना सारा सामान लेके एक क्विक हॉल कर ले क्या। चलो कॉटन नहीं थी, तो कॉटन मैंने अपनी दोस्त से ले ली थी, तो मन से बाद में ले आएंगे, पूजा के लिए लेट हो रहे हैं। अभी दूध के पैकेट ले आए हैं, दूध इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। फिर कॉटन भी ले आए थे, और कि हाँ चलो वो ले आते हैं। ये फास्ट वाला नमक, एक बार पता क्या हुआ था, शायद फर्स्ट नवरात्रा था मेरा, और मेरे सीनियर ने बोला जैस्मिन जो है कि मैं तेरे को वो बना के खिलाऊंगी, जो क्या बोलते हैं फास्ट का खाना जो होता है। तो उन्होंने बड़ा ही अच्छा खाना बनाया था उस दिन, लेकिन उन्होंने गलती से ये फास्ट वाला नमक, सेंधा नमक इसको बोलते हैं, उसकी जगह नॉर्मल नमक डाल दिया। और हम खा रहे हैं, बड़ी खुशी से खा रहे हैं ये वो। फिर मेरे को अचानक से याद आया कि यार शायद इनके पास नमक नहीं है क्योंकि ये फास्ट नहीं करती है, तो इन्होंने कौन सा नमक डाल दिया। फिर मैंने उनसे कंफर्म किया, उन्होंने कहा ओ शिट यार सॉरी। मतलब वो इतना ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी, मैंने कहा ठीक है, अब गलती से खाने पे तो मम्मी कहती है कि कुछ नहीं होता। और अभी ये है दही, और हम बनाएंगे फ्रूट रायता। या फ्रूट्स लेके आए हैं हम, मैं पहली बार ड्रैगन फ्रूट खाऊंगी। चलो तो हमने ले लिया है हमारा एक बर्तन, ये सारा का सारा दही। आई गॉट ए कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड। और बनाना हम काट चुके हैं। ग्रेप्स काटने होते हैं क्या? नहीं काटने होते ना, ऐसे डालना। मतलब मैं तो ऐसे खा लेती हूँ। एक्चुअली दिव्यांश ने भी फास्ट किया, वो हर बार करता है, और वो हर बार कुछ नहीं खाता दोपहर तक। फिर मैं उसे हर बार कॉल करती हूँ, दिव्यांश तो नहीं कुछ खाया, वो बोलता है नहीं यार कुछ नहीं खाया। फिर मैं बोलती हूँ ठीक है मैं बनाती हूँ। तो आज भी ऐसा ही हुआ है। हमेशा क्या थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि जल्दी पूजा कर लेते हैं हमेशा, आज थोड़ा लेट हो गया। मतलब लेट का ही मुहूर्त था, तो मैं क्या कर सकती थी। और सुबह से कुछ नहीं खाया यार, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज। खा लेंगे, सब खा लेंगे। एप्पल, इट्स टाइम टू कट एप्पल। मेरे से ना बहुत ज़्यादा वो नहीं होता कि मतलब बोर्ड पे काटो, मतलब बहुत ज़्यादा मेरा मन हो रहा होता है कि हाँ आज बहुत क्या बोलते हैं उसे, तहजीब से खाना बनाना है, क्या तो ही मैं करती हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ। और अभी तो मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और मैं तो फिर भी लेट उठी हूँ। दिव्यांश 5:30 बजे का उठा हुआ है, तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी। तो यार अभी फटाफट से बना लेते हैं यार, ये बाकी है। और मुझे नहीं पता ये कैसे काटते हैं। वैसे मैंने सुना है कि ये ग्रे होता है, और ग्रे के अंदर कुछ वाइट वाइट होता है, क्या ये खराब तो नहीं है? तो 2 टाइप के ड्रैगन फ्रूट होते हैं, एक जो अंदर से रेड होता है जैसा अभी मेरा निकला है, और एक अंदर से ग्रेइश जो होता है। तो इनके TSS में फर्क होता है, टोटल सॉल्युबल सॉल्ट्स में। तो ऐसा बोलते हैं कि इसमें ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। मैंने बस एक रैंडम कोई यूट्यूब पर वीडियो देखी है, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये सच है या झूठ है, बट हाँ ये सही है, मैं इसको खा सकती हूँ, ये मैंने कंफर्म कर लिया है। सो अपन इसको पील कर लेते हैं। क्या मुझे एक प्लेट ले लेनी चाहिए? इसी से काम चला लेते हैं। नाइस यार, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा ना वो वाली वो डालूंगी, मड़ा 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 वो आती रहती है ना। और ये तो बहुत ही गंदा साउंड किया। ठीक है, चलने दो। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। ये पूरा रेड हो चुका है, बन गया है। ये इतना मैं और विंता खाएंगे, ये दिव्यांश का, ये नमन का। तो फाइनली मैंने खा लिया है। विंता से बातें करते करते थोड़ी देर रेस्ट करके सो के शाम को चलेंगे डांडिया नाइट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो बहुत ही अच्छा होने वाला है।